वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। आज का दिन यूपीपीसीएल टीजी2 कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज है आपकी 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम है उन सभी को बहुत बहुत गुड लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप लोग यूपीपीसीएल टीजी2 में सेलेक्ट हो और आप सभी लोग यूपीपीसीएल टीजी2 में एसएसओ यानी सब स्टेशन ऑफिसर आप लोग जरूर रिक्रूट होंगे, ऐसा मैं कामना करता हूं। तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपने साल भर पढ़ा है आपको अच्छे से आता है, आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। तो आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो साल भर आपने पढ़ा है तो उसमें आप थोड़ा बहुत आपको डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां पे आप मेहनत होती है वहां पे डर होता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जो भी एग्जाम आपके सामने आए, जो भी आपको पेपर मिले उसको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ करिए। और जो मैंने आपको टिप्स बताई है कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है कि कितने क्वेश्चन है उसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने टाइम सेक्शन में डिवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखिए और जो भी क्वेश्चन आपको ना आता हो उसको आप तुरंत डॉच करिए, क्योंकि उन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। उसके अलावा जो लोग एग्जामिनेशन के टाइम एकदम लास्ट में आप पहुंचते हैं, जो आपका एग्जाम सेंटर है, ये गलत बात है। आप एग्जाम सेंटर आप दिए हुए टाइम पर पहुंचिए, क्योंकि लास्ट में बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पहुंचते हैं और गेट बंद हो जाता है, उनका एग्जाम छूट जाता है। तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं एडमिट कार्ड पे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो कि एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना मना है उसको आप कैरी करके मत जाइए। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, वहां जाके परेशान होते हैं। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपको आए उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करिए। कोई भी आप गेस मत करिए क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन में आप तुक्का मत मारिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन गेस करके अटेम्प्ट किए जाते हैं उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू जो आप अपने दिमाग से करते हैं। जो आपको याद होते हैं क्वेश्चन वो ज्यादातर आपके सही भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम आपका कैसा गया ये आप बाद में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा आया था, ये आपका पेपर इजी था या एवरेज था या आपका पेपर टफ था, ये आपको बहुत जरूरी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम लोग को मालूम पड़ सके कि आपका पेपर कैसा गया और आपको हम लोग के पढ़ाए हुए टॉपिक्स समझ में आए थे और आपको जो पेपर है उसमें क्या वो टॉपिक्स से जो जो हम लोग ने एमसीक्यूज कराए थे या जो जो हम लोग ने न्यूमेरिकल कराए थे उस बेसिस के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिले कि नहीं मिले, तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को फिर से मैं कह रहा हूँ, आप सभी को बहुत बहुत गुड लक, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो ऐसा मैं कामना करता हूँ और आप लोग अच्छे से अच्छे पद पर जाएं और यूपीपीसीएल टीजी2 में आप लोग सेलेक्ट हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल विजन।